हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, आज मैं बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, यानी मैंने एक दो दिनों में इसे किस किस तरह से यूज किया था या इसको मंगाया जब था तब मेरे दिमाग में क्या था, किस तरह से मुझे यूज करना है, क्यों मुझे इस गोरिल्ला ट्राइपॉड की जरूरत पड़ी। तो इस वीडियो में यही थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा जो आपके बहुत ही ज्यादा नॉलेज में आ सकती है। साथ ही ये बताऊंगा कि ये ब्लूटूथ किस तरह से काम करता है और करके भी दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने उस दिन मोबाइल नहीं लगाया था, अभी मैं मोबाइल लगा देता हूं। तो यहां पर आप आसानी से देखिए, बहुत ही आसानी से मैं अपना फोन लगा दूंगा और ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। आप इसे कितना भी सेक कर लो, ये गिरता नहीं है। और नॉर्मल अगर ट्राइपॉड होता तो बहुत जल्दी गिर जाता, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के लिए स्पेशली बना हुआ है और ये डिजिटेक का काफी ज्यादा मजबूत है। तो इसकी जो ग्रिप है यहां पर रबड़ की वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मैं इससे रिकॉर्ड नहीं करता। मैं आप ये जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस फोन से, रेडमी का फोन है, इससे रिकॉर्ड करता हूं, इससे थोड़ा सा भारी है और मैंने बैक कवर भी लगा रखा है बड़ा वाला, तो उससे फोन और ज्यादा भारी हो जाता है। तो यहां पर इस तरह से है। और गोरिल्ला ट्राइपॉड का जो काम है वो है ब्लॉगिंग में। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी दो दिन में वो ये है कि इसकी ग्रिप बहुत मजबूत है। अगर आप चलते चलते कहीं ब्लॉग बना रहे हैं, गाड़ी पर बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होता तो दर्द होने की संभावना थी। अब यहां पर क्या है कि नॉर्मल जो ट्राइपॉड होता है उसकी लंबाई थोड़ी सी से कम होती है, इसमें इतना लंबा ज्यादा है, यानी इतनी लंबाई समझ लो ये 2 पॉइंट ज्यादा है उस ट्राइपॉड से। तो आप इसको कैसे भी होल्ड कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं कि आप इसे ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। देखिए, तो एक लंबाई ज्यादा दूर हो जाती है जिससे आपका ब्लॉग जो है काफी ज्यादा अच्छा बनता है। इस तरह से ब्लॉगिंग के लिए स्पेशली होता है और कहीं आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं उसके लिए काफी अच्छा होता है। तो यहां पर ये है। अब चाहे तो आपको इसको थोड़ा सा और लंबा करना चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये देखिए थोड़ा सा और लंबा हो गया। तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपके हाथों में दर्द नहीं होगा। ये मुड़ जाता है कैसे भी। अगर आपको कोई सीन खींचना है इस तरह से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको पीछे से कोई सीन खींचना है तो इस तरह से। तो ये क्या होता है कि आपका जो वीडियो आएगी वो काफी ज्यादा स्टेबल आएगी, काफी ज्यादा स्टेबल। अगर आप केवल ऐसे शूट करते हैं किसी चीज को तो हाथ थोड़ा सा सेक होता है, लेकिन ऐसे पकड़ लेंगे तो दोनों हाथ में रहेगा, तो आप आसानी से शूट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक ट्रिक मैंने और देखी थी, और एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने एक ट्रिक देखी थी कि लोग इस तरह से भी इसको शूट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको कर लिया और इसको अच्छी तरह से दबा लिया ताकि ये फंसा रहे। अब क्या है कि आप ऐसे चल रहे हैं अपने, तो इसको आपको दबाना है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत संभाल के ये वाला शॉट लेना है। तो इस तरह से लोग अपना हाथ दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में केवल दोनों हाथ दिखते हैं, तो इस तरह से दिखते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं बहुत अच्छा, और इसको कहीं भी टांग भी सकते हैं, जैसे ऐसे बना लिया और ये टंग जाएगा ऐसे करके, या कहीं पे कोई पेड़ है, मैंने कल भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, पेड़ है तो उस पेड़ की डाली में आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से ये काम करेगा। बहुत मतलब मल्टीपर्पज के लिए होता है ये, इस तरह से काम कर लेगा। चाहे आप इसे ऐसे लटका लें, चाहे ऐसे कर लें, तो इस तरह से बहुत ज्यादा ये आपके काम आ जाएगा। मैं तो एक आइडिया दे रहा हूं कि दो दिन में मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया इसका, तो इसकी वजह से, ताकि आपको भी थोड़ी सी वो आइडिया हो जाए, क्योंकि मैंने इस तरह का बहुत ज्यादा वीडियो देखा नहीं, केवल अनबॉक्सिंग रिव्यू पे देखा था। तो इस तरह से है, इस तरह से। सबसे अच्छी बात है कि ये देखिए, ओ मैंने इसे तेजी से निकाल दिया। आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको देखिए, इसको ऐसे करके 360 डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री यहां पर ये घूम जाता है, और ऐसे करके ये ऐसे भी ऐसे घूम जाता है बहुत अच्छी तरीके से। अब बात आती है इस ब्लूटूथ की। अगर आपको सही तरीके से यूज करना है तो सबसे पहले जो भी डिवाइस आप इसमें लगाएंगे उससे इसको कनेक्ट कर लीजिए पहले से ही। तो सबसे पहले इसे यहां से ऑन कर लेते हैं, यहां पे एक बटन है ऑन का, तो ये ऑन होते ही इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑन हो चुका, ब्लूटूथ ऑन है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके फोन में आपको ब्लूटूथ डिवाइस सर्च करनी है,
सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके और ये देखिए ब्लूटूथ वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है। अब सबसे पहले मैं तो अपना ब्लूटूथ ऑन कर दूं, ये मैंने ऑन कर दिया अपना वाला। अभी देखते हैं सर्च में आता है कि नहीं आता। पेयर न्यू डिवाइस पे जैसे ही क्लिक किया ये ऑप्शन आ गया एबी सटर नाम से, एबी सटर 3 नाम से, और ये यहां पर मैंने इसको पेयर कर लिया है। अब ये हो गया पेयर, कनेक्टिंग हो रहा है। अब ये कनेक्ट हो गया, ये देखिए कनेक्ट हो चुका। अब मैं इसको इसमें लगा देता हूं और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। तो ये देखिए मैंने कर दिया है और मैं देखता हूं क्लिक हो रहा भाई, क्लिक हो रहा है। ये देखिए ये मैंने अपना हाथ करा और यहां से इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे लाइट जलेगी। अब ये देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे लाइट जलेगी, देखिए अब ये देखिए फोटो आ चुकी है, ये फोटो दोनों आई है। सही काम कर रहा है और इसको जब नहीं उपयोग करेंगे तो इसको बंद कर देंगे। अब इसे बंद कर दिया तो इसमें ऑटोमेटिक ये मतलब डिटेक्ट नहीं करेगा, ये बंद हो चुका। बंद करके रखने पे फायदा ये है कि इसका जो बैटरी है वो जल्दी खत्म नहीं होगी और बहुत दिनों बाद इसकी आप बैटरी पीछे से यहां से ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है खोलने का, अंगूठे से लगा के खोल लेंगे और बैटरी को बदल देंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसको अगर खड़ा करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, खड़ा करके दिखा देता हूं मैं, आसानी से खड़ा कर दीजिए। ये बिल्कुल नहीं गिरे, ये देखिए ये बिल्कुल नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप खड़ा कर सकते हैं और इसको और ऊंचा करना है मतलब ये बिल्कुल आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, इतना अच्छा है ये। अगर और छोटा करना है तो आप इसको ऐसे करके रख लीजिए, ऐसे करके लीजिए, जितना छोटा बड़ा करना है उतना छोटा बड़ा आप इसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।